नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आए और उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे, तो हमने कहा कि भाई क्यों ना एचआरएस रिलेटेड ही आपकी एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अब आपका रिटर्न फाइल करने का समय आ भी रहा है, आपको टैक्स प्लानिंग भी करनी है, आपको अपना टैक्स भी बचाना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एचआरए के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं एफएक्यू ऑन एचआरए। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज एचआरए? तो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, क्वेश्चन ये होता है कि एचआरए होता क्या है और इसका टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है। तो बेसिकली जो सैलरीड पर्सन है, कंपनी उनको हाउस रेंट अलाउंस देती है। यदि वो मकान किराए पर रहते हैं तो कंपनी उनको कुछ एचआरए के नाम पर सैलरी के साथ कुछ अमाउंट देती है, और जो अमाउंट उन्हें एचआरए में मिलती है उसकी उनको इनकम टैक्स के अंदर छूट भी मिलती है, जिसके कुछ एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे। तो एचआरए बेसिकली जो बात हम कर रहे हैं वो सैलरीड पर्सन के लिए है, सैलरीड पर्सन को ही एचआरए का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस पर्सन है तो उस केस में आपको एक डिडक्शन मिल जाता है 80GG के अंदर, लेकिन एचआरए की हम चूंकि यहां पे बात कर रहे हैं तो एचआरए सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए होता है, बिजनेस पर्सन के लिए नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन है, कैन आई क्लेम एचआरए एंड डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट? बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है कि जी मैं एचआरए क्लेम कर सकता हूं और क्या मैंने अपने मकान के लिए कोई लोन ले रखा है और मैं उस पर इंटरेस्ट पे करता हूं, तो क्या मैं दोनों को क्लेम कर सकता हूं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक बड़ा ही थिन लाइन डिफरेंस है, इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। अब ये कैसे वेरी करता है वो मैं आपको बताता हूं कि सपोज मैं दिल्ली में जॉब करता हूं और मेरा जो घर है वो मेरा घर है बेंगलोर में, जिसमें मैंने लोन लिया हुआ है। अब आप समझिए, मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूं, दिल्ली में मेरी कंपनी है, मैं दिल्ली में रहता हूं, अब बेंगलोर में मेरा घर है जिसपे मैंने लोन ले रखा है। अब उस लोन के ऊपर मैं अगर इंटरेस्ट पे करता हूं तो उस केस में मैं एचआरए भी क्लेम कर सकता हूं और इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता हूं। जी हां, क्योंकि मैं जब दिल्ली आया हूं अपनी नौकरी के कारण आया हूं, मैं उस मकान का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं जहां पर कि मैं रह रहा हूं। अब सपोज इसी को मैं अगर पलट करके ये कह दूं कि जी मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरी जॉब भी दिल्ली में ही है, तो क्या मुझे एचआरए मिलेगा? तो उस केस में थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जब आपका मकान दिल्ली में है जिस पर आप हाउसिंग लोन इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उस केस में आप एचआरए को क्लेम कैसे कर पाएंगे? एचआरए का मतलब है आपने किराए पर मकान ले रखा है। क्योंकि इस केस में आपने किराए पर मकान नहीं लिया हुआ है तो आप एचआरए का इस केस में क्लेम नहीं ले पाएंगे। तो या तो आप इंटरेस्ट का क्लेम लेंगे या फिर आप एचआरए का क्लेम लेंगे। अब चूंकि आप अपने ही मकान में रह रहे हैं तो आपके लिए एचआरए का क्लेम लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हैं और आपका मकान किस सिटी में है। यदि जॉब के कारण, यदि हम सिंपल भाषा में बात करते हैं, यदि आप जॉब के कारण किसी दूसरे सिटी में रहते हो, आपका मकान किसी दूसरे शहर में है और आप किसी दूसरे शहर में रहते हो, तो आप एचआरए और इंटरेस्ट दोनों का क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा, एचआरए भी हम क्लेम कर सकते नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है आजकल कि डू वी नीड ए लैंडलॉर्ड्स पैन? लैंडलॉर्ड के पैन कार्ड की क्या हमें जरूरत पड़ती है? क्योंकि जब कई बार कंपनी में हम जब एचआरए के लिए बात करते हैं तो जो हमारे एचआर टीम है वो कहती है कि सर हमें आप अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी दीजिए। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको एक चीज बताऊंगा कि जो अगर आप एचआरए क्लेम कर रहे हैं और यदि आपका जो रेंट है वो रेंट आपका 1 लाख पर एनम है, अगर आप इससे ज्यादा अगर आप लोन ओ सॉरी अगर आप रेंट पे करते हो तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी होगा कि आप अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर दें। जी हाँ, यदि आपका रेंट 1 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा है तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर देना होगा। यदि आपका 1 लाख से कम है तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर दें, लेकिन हो सकता है कंपनी ने अपनी पॉलिसी बनाई हो, कंपनी ये कहती हो कि जी चाहे आप 1 लाख से कम रेंट पे करते हैं या आप ज्यादा रेंट पे करते हैं, आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर देना होगा।
तो आप उस केस में अब कंपनी की पॉलिसी है तो शायद आपको देना पड़े, लेकिन एज पर लॉ ये जरूरी नहीं है। अगर आपका रेंट 1 लाख रुपए से कम है तो आप पैन नंबर दें, तो उस केस में आपको पैन नंबर देने की जरूरत नहीं है। 1 लाख से ऊपर के केस में आपको पैन नंबर देना होगा। अगला क्वेश्चन है, कैन आई क्लेम एचआरए व्हेन लिविंग विद पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूं, मकान मेरे नाम पर नहीं है, क्या मैं एचआरए का क्लेम कर सकता हूं? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। जी हाँ, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप एचआरए का क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जो हाउस है, हाउस आपके नाम पर नहीं है, हाउस किसके नाम पर है? आपके पेरेंट्स के नाम पे है। जब पेरेंट्स के नाम पर आपका हाउस है तो आप ये कह सकते हो कि साहब मैं रेंट पे करता हूं पेरेंट को, मैं अपने फादर को या मैं अपनी मदर को मैं रेंट दे रहा हूं। अब जब चूंकि मैंने अपने फादर या मदर को रेंट दिया है जिसके नाम पर भी प्रॉपर्टी है, तो मुझे एचआरए का क्लेम मिलना चाहिए। और लॉ आपको ये कहीं नहीं रोकता कि यदि आप अपने पेरेंट्स के मकान में रहते हैं तो आप उनको रेंट नहीं दे सकते, आप बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, यहां पर लोग क्या गलती करते हैं कि पेरेंट्स के मकान में रहते हैं, एचआरए भी क्लेम करते हैं लेकिन रेंट पे नहीं करते। अब आप भी कहेंगे सर मैं अपने फादर के मकान में हूं, फादर को क्या रेंट दूं, मैं तो साथ ही रहता हूं उनके। सर अगर आप अपने फादर के साथ हैं, अपनी मदर के साथ हैं, और इवन अब मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ूंगा कि यदि आप अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, वाइफ के साथ का मतलब मकान आपकी वाइफ के नाम पर है, तो भी आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। आपकी वाइफ के नाम पे मकान होने पर भी आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। तो अब कोई आपसे ये नहीं पूछेगा लीगली कि जी वाइफ के साथ तो रहना आपकी मजबूरी है। मजबूरी है, लेकिन आप कहिए कि सब मजबूरी है, वो मुझसे किराया मांगती है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप किराया जरूर दें। जी हाँ, किराया जरूर दें, अगर आप किराया नहीं देंगे तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर किराया कैसे दें। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि किराया आप हमेशा चेक के थ्रू दें, यानी कि कैश में अगर आप दिखाएंगे तो आपके लिए फिर एक मुश्किल होगी। अगर कल को असेसमेंट होता है तो इनकम टैक्स ऑफिसर को आपके लिए समझाना बहुत मुश्किल होगा कि जी आपने किराया दिया था या नहीं दिया था। तो आप किराया हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू दें। तीसरी एक बात और ध्यान रखें पेरेंट्स के केस में या वाइफ के केस में, कि उनकी भी आईटीआर को फाइल करें और उस आईटीआर में जो वो रेंट रिसीव कर रहे हैं आपसे उस रेंट को जरूर दिखाएं। क्योंकि अगर असेसमेंट होता है तो असेसमेंट के टाइम पर क्रॉस चेक वो कर सकता है असेसिंग ऑफिसर कि भैया वो लोग आपने कहा मैंने उनको रेंट दिया, उन्होंने अपनी इनकम में दिखाया भी है या नहीं दिखाया। तो इन चीजों का आप ध्यान दें, आप बड़े आराम से आप क्लेम कर सकते हैं एचआरए अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। दोस्तों इसके साथ एक क्वेश्चन और है, हाउ एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेटेड। जो हमने शुरू में बात की कि भाई एचआरए को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एग्जेम्पशन कैसे क्लेम किया जाता है, तो चलिए उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो एचआरए जो क्लेम होता है, डिडक्शन अवेलेबल इज द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से जो सबसे कम होगा उसकी आपको छूट मिलेगी। क्या होगा? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, आपको कंपनी से जितना एचआरए मिलता है आपको उतना आप मैक्सिमम आप उतना ही आप क्लेम कर सकते हो। दूसरा है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर दोज लिविंग इन मेट्रो सिटीज, यानी दिल्ली, मुंबई, कैलकटा, चेन्नई, यदि आप यहां रहते हो तो जो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए है उसका 50% तक, और यदि जो नॉन मेट्रो सिटीज हैं उसमें अगर आप रहते हो तो आपको 40%, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बेसिक प्लस डीए यदि आपकी 50,000 रुपये है तो 25,000 रुपये महीने आप अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो, या उसका 40% 50,000 का 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपीज आपकी नॉन मेट्रो सिटीज के लिए। और एक्चुअल रेंट पेड शुड बी लेस देन 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि आपने जितना रेंट पे किया है वो आपका बेसिक सैलरी से 10% से कम, इन चारों में जो भी कम होगा उसकी आपको छूट मिलेगी। यानी ऐसा नहीं है कि आपको जितना एचआरए मिल रहा है आपको पूरा के पूरा क्लेम मिल जाएगा, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ उतना क्लेम मिलेगा जो इन तीनों में सबसे कम हो, या तो एक्चुअल एचआरए या 50% और 40% एज द केस में भी, और तीसरा है एक्चुअल रेंट पेड मोर देन 10% ऑफ द सैलरी। तो दोस्तों ये है आपकी एचआरए की कैलकुलेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुए होंगे एचआरए से रिलेटेड क्वेश्चंस। यदि आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।